जाने क्यों मोहब्बत लोग किया करते हैं। नहीं दोस्तों, हम आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे, बल्कि हम तो आपको बॉलीवुड की मशहूर और यादगार अदाकारा लीना की याद दिला रहे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया, बल्कि अपनी अदायगी से भी इन्होंने सफलता के शिखर को छुआ, जिसके चलते ये आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप अभिनेत्री लीना की प्रोफेशनल लाइफ से भलीभांति वाकिफ हैं, पर शायद ही आप इनकी लाइफ से जुड़े पहलुओं के बारे में जानते होंगे। आपकी फेवरेट अभिनेत्री अरेंज मैरिज, शादी करने से पहले किसी के साथ अफेयर में रह चुकी हैं, और इनका किसके साथ प्यार मुकम्मल हो सका, तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके पहले प्यार और अरेंज मैरिज शादी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए, देरी किस बात की, बिना वक्त गवाए जल्दी से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभिनेत्री के लिए एक लाइक। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री लीना का जन्म 29 अगस्त 1950 को धारवाड़ में हुआ था, और इसी के चलते इनकी सारी पढ़ाई यहीं से पूरी हुई। वहीं बात करें इनके प्रोफेशनल करियर के बारे में, तो बता दें ढेरों ब्यूटी पेजेंट्स जीतने के बाद इन्होंने अपना फिल्मी करियर साल 1968 में फिल्म मन का मीत से शुरू किया था, जिसे करने के बाद अपनी पहली ही फिल्म से ये रातों रात स्टार बन गई, जिसके बाद इन्हें एक के बाद एक कई फिल्मों के ऑफर्स आना शुरू हो गए, जिसे अपनाकर इन्होंने कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ ढेरों फिल्में की, जिनमें सरफरोश, जालिम और महबूबा की मेहंदी जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। और इन्हीं फिल्मों की बदौलत आज ये अभिनेत्री 70 के दशक की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो बता दें इनकी निजी जिंदगी की शुरुआत होती है इनके मैरिड लाइफ से, जहां अपने करियर में आने की कुछ सालों बाद इन्होंने अपने माता पिता के द्वारा पसंद किए गए लड़के सिद्धार्थ बंदोदकर से शादी कर ली, जो गोवा के पहले मुख्यमंत्री के बेटे थे। पर अफसोस, शादी के कुछ ही समय के अंदर एक दुर्घटना हो गई, जहां अपनी बंदूक साफ करते वक्त सिद्धार्थ के हाथ से खुद पर गोली चल गई, जिसके बाद काफी समय तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए उन्होंने चंद महीनों बाद दम तोड़ दिया, और महज 25 साल की उम्र में ही लीना विधवा हो गई। और इसी तरह जहां एक तरफ ये विधवा की जिंदगी जी रही थी, तो वहीं इन्हें कई फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे, जहां एक फिल्म को करने के दौरान इनकी मुलाकात किशोर कुमार से हुई, और यहीं से शुरू होती है इनकी लव लाइफ। जी हां, जिस दौरान ये एक दूसरे से मिले, जहां एक तरफ लीना अपने पति को खोने के बाद एक विधवा बन गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर कुमार भी अपनी पत्नी योगिता बाली का मिथुनदा के प्यार में गिरफ्तार हो जाने के बाद अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और इसी तनहा भरी जिंदगी में दोनों को एक दूसरे का साथ मिला, और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया। पर हैरत की बात तो ये है कि लीना के पापा किशोर कुमार और उनकी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि किशोर कुमार पहले से ही 3 शादी कर चुके थे। साथ ही किशोर कुमार लीना से 20 साल बड़े थे, इसलिए उन्होंने इनसे शादी करने के लिए साफ मना कर दिया। पर लीना ने पिता के खिलाफ जाकर 1980 में किशोर कुमार से शादी रचा ली, और एक दूसरे के साथ शादीशुदा जिंदगी खुशहाल तरीके से बिताने लगे। पर अफसोस, 7 साल बाद यानी कि 1987 में अभिनेता किशोर कुमार का देहांत हो गया। इसके बाद लीना ने किसी और से शादी नहीं रचाई, और आज वो अपने एक बेटे सुमित के साथ मुंबई में रहती है। तो दोस्तों, आपको लीना की लव लाइफ और अरेंज मैरिज के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।